पांचवी पंक्ति त्रिपुरन जी श्रीराम इसी पंक्ति का संपुट लगा कर यदि आप सुंदरकांड का पाठ करें तो मेरा विश्वास है 49 दिनों में आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति। हनुमान जी महाराज भरत जी से कहते हैं श्री राम शत्रुओं को युद्ध में जीतकर सीता जी लक्ष्मण जी और अपने मित्रों और उन अपने मित्रों के सहित सकुशल से अयोध्या को आ रहे हैं और देवता उनका विश्वास गा रहे हैं। श्री राम निरंतर विजयी हमें कर कह रहा था ना, कभी वे हारे नहीं, कभी नहीं हारे। और लगता यही है कि कभी नहीं हारे इसलिए सीता जी के गले में हार पहना दिया, जो हारता नहीं उसे के गले में हार पहनाया जाता है। श्री राम के गले में हार पहनाया गया क्योंकि कभी हारे नहीं। क्यों नहीं हारे, इसके पीछे एक ही कारण था ना, क्या? धर्म। तो धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। आप बोलेंगे तो मुझे डिस्टर्ब होगा, व्यवधान होगा, तो हम सताते हैं तो धर्म हमें मार डालता है। जब धर्म की हम रक्षा करते हैं धर्म हमारी रक्षा करता है। और यही बात कौशल्या जी ने वाल्मीकि रामायण में कही, हे राघवेंद्र प्रभु जिस धर्म का आप इतने नियम से पालन करें वही धर्म आपकी रक्षा करता रहेगा। आपने देखा कल के प्रसंग में भी धर्म के बीसों लक्षण दिख पड़े। और यही कारण है कि शिव जी इतना प्रेम करते हैं राम जी से, क्योंकि मूलम धर्म तरो। और एक बड़ा करुण प्रकरण यहां का है, देखिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक बात कही, जिसको सीताराम जी प्रिय न हो उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए। गोस्वामी जी ने जो उदाहरण दिया, जिसको प्रभु प्रिय न हो उसे छोड़ देना चाहिए, जैसे प्रहलाद ने पिता को छोड़ा, विभीषण ने अपने भैया रावण को छोड़ा, भरत जी ने मां अपनी मां कैकेयी को छोड़ा, बलि ने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ा और ब्रज बालाओं ने प्रपतियों को छोड़ा। तो पांच उदाहरण तो गोस्वामी जी ने दिए, परंतु सबसे बड़ा उदाहरण शिव जी का है वो उदाहरण नहीं दिया। सबसे बड़ा उदाहरण शिव जी का है कि सीता जी का वेश बनाने के कारण शिव जी ने अपनी पत्नी सती जी को ही छोड़ दिया। वैष्णवानाम यथा शंभु, इतना बड़ा वैष्णव कोई होगा? स्वामिनी का रूप बनाने के कारण सीता सती जी को प्रभु ने छोड़ दिया, संकल्प कर लिया अब मैं इस शरीर से सती जी को नहीं छोड़ता। कदाचित को स्वामी जी से पूछा जा सकता कि प्रभु आपने इनका उदाहरण क्यों नहीं दिया। गोस्वामी का दो उत्तर है, यह उदाहरण तो अनुपम है, तो जब कोई उपमा नहीं तो कैसे इनका उदाहरण दे। शिव जी मेरे गुरु हैं। और दूसरी बात, ये पांचों परिस्थितियां सती जी के साथ एक साथ जुड़ी हुई हैं।